आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच। काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच। काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा होता है? कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट। तीन भागों में डिवाइडेड, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। क्या भागों में डिवाइडेड? तीन, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, पहली बात एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? कंप्लीट। इंटीरियर ओपनिंग माउथ होता है, इंटीरियर ओपनिंग माउथ पोस्टीरियर ओपनिंग एंड अपर्चर है, ओपनिंग एनल अपर्चर, एनल अपर्चर। सुनो ये देखो जी, इंटर ओपनिंग इन माउथ पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर हो गया। तीन भागों डिवाइडेड है गट या एलिमेंट्री कैनाल। गट या एलिमेंट्री कैनाल कई भागों डिवाइडेड है? एलिमेंट्री कैनाल, गट एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू किसमें? थ्री डिस्टिंक्ट, तीन भागों में डिवाइडेड है। वो तीन भाग कौन है? पहला है फोरगट, दूसरा है मिडगट, तीसरा है हाइंडगट। ठीक है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट में बक्कल कैविटी आता है, फेरिंग्स आएगा, आइसोफेगस आएगा, क्राप आता है, गीजार्ड आता है। ये फोरगट में है। मिडगट में मिसेंट्रान आता है, मिसेंट्रान। हाइंडगट में इलियम, ILEUM, इलियम, कोलन और रेक्टम आता है। इलियम, कोलन और रेक्टम, हर जगह पे इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मिडगट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे इलियम को कहाँ रखे हैं? हाइंडगट में। बुक देख लीजिएगा। तो आप एक बात याद करिए, मिडगट को याद कर लीजिए मिसेंट्रान है, उसके नीचे इलियम, कोलन, रेक्टम, हाइंडगट हो गया, उसके ऊपर वाला बक्कल कैविटी, फेरिंग, आइसोफेगस, क्राप, गीजार्ड किस में आ गया? फोरगट में। ठीक है ना, किस में आ गया? फोरगट में। इसको ध्यान दीजिए, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल इसका जो होता है, काकरोच का एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, इंटीरियर ओपनिंग माउथ होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर होता है। ठीक है,
फिर मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल या गट जो है डिवाइड होता है थ्री डिस्टिंक्ट रीजन में क्या होता है, ये डिवाइड होता है, समझ रहे हैं ना। थ्री डिस्टिंक्ट रीजन, पहला है फोरगट, पहला कौन है फोरगट, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऑसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड, मिडगट मिसेंट्रॉन, हाइंड गट इलियम कोलन और रेक्टम। बोलिए हो गया, ये तो एलिमेंट्री कैनाल के विषय में है। अब फिगर आप देखेंगे इसका तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ये ओमनीवोरस इंडिविजुअल कैसे होता है, क्या खाता पीता कैसे, सब बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका हेड है, ये सपोज कर लो ये इसका ये है, इससे ये मोटा होगा। मैंने क्या कहा, इधर जो देखेंगे ऐसे ऐसे देखो, इधर यहाँ पे जहाँ पे पतला हुआ है यहाँ से ऐसे ढेर सारी ये देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, देखो ये कौन है, सालिवरी ग्लैंड, संख्या कितनी होती है चार। ये है सालिवरी रिजर्वायर, दोनों तरफ संख्या चार है, ये सालिवरी रिजर्वायर है, सालिवरी रिजर्वायर। यहाँ पे बक्कल कैविटी है, ये है यहाँ पे फेरिंग्स है,
फेरिंग्स, आइसोफेगस, क्राप, गीजार्ड, या इसी को बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। ये है हिपेटिक सिक्की। ये है मिडगट या इसी को बोलते हैं मिसेंट्रॉन, मिसेंट्रॉन। ये है इलियम, ये है कोलन, ये है रेक्टम, ये है एनल अपर्चर। ये तीनों हाइंड गट के पार्ट हैं। तीनों किसके पार्ट हैं? हाइंड गट के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ये हाइंड गट के पार्ट हैं, हाइंड गट के पार्ट हैं, ठीक है। ये गिजार्ड तक देखिए, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है, और ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन कहाँ आता है? फोरगट में, पहले में फोरगट में आता है। इसको बनाइए तो समझा दें आपको। बना लिए हैं? बहुत अच्छे हैं तब तो आप। देखिए ये खुलता है किसमें? सबसे पहले मैंने बताया बक्कल कैविटी। आप इसको देखो, ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी किसमें खुलता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स खुलता है आइसोफेगस में। आइसोफेगस खुलता है किसमें? क्राप में। इधर से देखिए, ये बक्कल कैविटी है। कौन है ये बक्कल कैविटी? नीचे है फेरिंग्स, उसके नीचे आइसोफेगस, ये है सैक लाइक स्ट्रक्चर क्राप। यहाँ पर क्या है? ये प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड। ये सब पार्ट बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, क्राप और गिजार्ड, ये तीनों किसके पार्ट हैं? बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, क्राप, गिजार्ड, पाँचों जो है स्ट्रक्चर है किसके? फोरगट के। और यहीं से एट द जंक्शन ऑफ, ध्यान समझिएगा, एट द जंक्शन ऑफ किसके जंक्शन पे? फोरगट और हाइंड गट के, फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे। फोरगट यहीं पे ख़त्म होता है, मिड गट यहाँ पे शुरू होता है। तो इसी के जंक्शन पे जहाँ से फोरगट ख़त्म होता है और मिड गट चालू होता है, ये जंक्शन है, वहीं पर होता है संख्या में आठ, छः से लेके आठ हिपेटिक सिक्की होंगी। छः से क्या होंगी? हिपेटिक सिक्की। ये क्या करते हैं हिपेटिक सिक्की? ये सिक्रेट करती हैं एंजाइम। क्या सिक्रेट करेंगी? सिक्रेट्स
एंजाइम को सिक्रेट करेंगे और ये प्रोवेंट्रिकुलर सार्गिजार्ड है, इसमें इनर लाइन, इधर देखो जी, प्रोवेंट्रिकुलर सार्गिजार्ड, इसकी इनर लाइनिंग जो हार्ड होती है और क्यूटिकल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, हार्ड और क्यूटिकल की। इसमें 6 ऐसे फोल्ड होंगे, इधर देखिए 6 फोल्ड होते हैं ऐसे भोजन को क्रश करने के लिए, बुक में नहीं दिया हुआ आपके, क्यूटिकल की लाइनिंग अंदर होते ही जानते रहिएगा हार्ड होता है। 6 ऐसे 6 जो होते हैं ये प्रोजेक्शंस होगा, वो प्रोजेक्शंस क्या करेगा, भोजन को ग्रिंड करेगा, ऐसे मूव करेगा तो भोजन क्या होगा, क्रश करेगा, पीसेगा भोजन। तो ग्रिंडिंग ऑपरेटर्स कौन है, गिजार्ड। यहाँ पे क्या होगा, ग्रिंड होता है, क्या होता है, ग्रिंड होता है, ग्रिंड मतलब पेषण, इसका नाम ही पेषणी है, हिंदी में इसको पेषणी कहते ही हैं, पीसने वाला, ग्रिंड करने वाला। जैसे आपके पास स्टमक होता है उसमें रूजी होती है ना, जब आप खाना खा लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं एक रोटी का दो टुकड़ा के दो टुकड़े को दो बार कूचे अंदर, फिर दो टुकड़ा के अंदर, कभी मैंने आपको बताया था कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, ऐसे खाना बनाएंगी, पूरा गौर से बनाएंगी, अगर उनको पुलाव मिल जा रहा है चावल और पनीर तो ऐसे सान लेंगे, इतना बड़ा बनाएंगी लोवा बॉलस, और उसका देखा ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, खाली नो मूवमेंट ऑफ टीथ, टीथ का कोई मूवमेंट नहीं है, डालते ही गटक जाएंगी, और गटक गटक जल्दी ना देखे, ताकि इतना कम से कम लादी भर पेट निकल आवा इसे। तो वो जानते क्या होता है, उस भोजन को पीसने का काम कौन करेगा, रूजी करेगा बेचारा, पीस नहीं पाता, वो मिलाने का काम करता है, उसको पीसने का काम नहीं करता, मिलाने का, पीसने का काम दांते करेगा आपका, जितना बढ़िया चबा सकते हो। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुनो, अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना चाहते हैं तो भोजन खूब कूंच कर खाइए, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप भोजन को कूचिए मत, आराम से गटागट गटागट कबूतर के लेते जाइए, कबूतर की तरह। लेकिन ये क्या करता है, चबा चबा कर खाते, देखिए काट काट कर खाता है, काट काट कर खाता है, मैंने बताया मैंडिबल इसका क्या होता है, चीविंग ऑपरेटस होता है, कटिंग एंड चीविंग ऑपरेटस। इसका जो इसमें फोल्ड होता है 6 इस पेशणी में, गिजार्ड में, प्रोवेंट्रिकुलस में, यहाँ पर 6 फोल्ड होंगे, क्यूटिकुलर लाइन हार्ड होंगे, वो भोजन को क्रश कर देंगे। अब भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, इधर देखो, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा हिपैटिक सिकी से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, कैट हो 4×8 6-8 दिया होगा आपके बुक में, हिपैटिक सिकी, जहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए। भोजन किधर की तरफ आता है, फिर मिडगट की तरफ, मिडगट थोड़ा चौड़ा होता है, और इलियम जो होता है सबसे पतला भाग होता है, याद रखें सबसे पतला भाग कौन होता है, इलियम। देखिए जहाँ मिडगट, मिडगट ही पाक रुक जा रहा है, ये मिडगट है, देखिए जहाँ से पतला हो गया है ये मिडगट है, और हाइंड गट का जहाँ जंक्शन है, जहाँ मिडगट और हाइंड गट का जंक्शन है वहाँ पर 100 से 150 क्या पाए जाते हैं, मालपिघियन टिब्यूल होता है, मालपिघियन टिब्यूल 100 से 150, ये एक्सक्यूटरी आर्गन है, क्या होता है ये एक्सक्यूटरी आर्गन। यहाँ पे देखो, एट द जंक्शन, किसके जंक्शन पे, मिडगट और हाइंडगट, दो जंक्शन पे दो चीज़ें याद रखिएगा, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या, हिपैटिक सिकी, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या है, मालपिघियन टिब्यूल, इसकी संख्या 6 से 8, इसकी संख्या 100 से 150, इसका काम एक्सक्रीशन है, इसका काम क्या है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन करना, यूरिक एसिड का जो है बाहर निकालना, कैसे निकाले, बाहर ही निकालेंगे, ये फिकल मैटर में ही डाल देती हैं, इसे फिकल मैटर से बाहर चला जाता है, समझ में आई बात। अब देखो ये हाइंड गट जो होता है, इलियम हो गया पतला वाला भाग, फिर ये मोटे वाले भाग में खुलेगा, उसको बोलते कोलन, देखो मोटा ट्यूब है ना, इससे ज़्यादा मोटा है, मिडगट से ज़्यादा मोटा कौन होता है, हाइंड गट, कोलन कहते हैं। कोलन किस में खुलता है, रेक्टम में,
थोड़ा स्वेलन पोर्शन होता है रेक्टम, और रेक्टम कहाँ खुलता है, नल प्रेशर के द्वारा बाहर। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। सीक्वेंस पूछा है दो बार तीन बार, खाली सीक्वेंस से पूछा हुआ है कैसे कैसे कहाँ कहाँ भोजन कैसे जाता। और चार सालिवरी ग्लैंड दो पेयर, दो इधर सालिवरी ग्लैंड होगा, दो इधर सालिवरी ग्लैंड होगा, सालिवरी ग्लैंड कैट होगा, दो इधर सालिवरी ग्लैंड है। और सालिवरी ग्लैंड के बीच में ये सालिवरी रिजर्वायर है, क्या है ये सालिवरी रिजर्वायर, जिसकी संख्या होगी दो। सालिवरी रिजर्वायर केवल कितने हैं, दो ठो, और सालिवरी ग्लैंड की संख्या चार। कोई टेंशन बताइए, बोलिए। मैंने कहा सीक्वेंस अगर लिखना चाहते हैं तो सीक्वेंस ये होता है, लिखने का क्रम जो क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये है आपका, ये फिगर बना चुके हैं आप। मैंने क्या कहा, अगर आप देखना चाहते हैं बक्कल कैविटी पहला, फेरिंग्स, आसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, इलियम, कोलन, रेक्टम, तो मिडगट का पोर्शन केवल इतना ही है, इंटीरियर वाला फोरगट, पोस्टीरियर वाला हाइंडगट। आपको याद क्या करना है, इलियम के पीछे कोलन रेक्टम कौन, हाइंडगट, इसके आगे गिजर्ड से लेके ऊपर तक क्या है, फोरगट। आपको याद करना पड़ेगा फोरगट में क्या क्या इंक्लूड करता है। तो फोरगट में आप देख रहे हैं बक्कल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, एसोफेगस आएगा, क्रॉप आएगा और गिजर्ड, ठीक। मिडगट कहाँ शुरू होता है, गिजर्ड से, यहीं शुरू हो जाएगा मिडगट, जहाँ पे फोरगट और मिडगट का जंक्शन है। देखो इधर, जहाँ पे फोरगट, ये फोरगट, ये फोरगट का पोजीशन है लास्ट, और ये मिडगट का शुरुआत है। जहाँ पे जंक्शन होता है उसी जंक्शन पे होता है चार दुनिया आठ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। किसकी तरह प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं हिपेटिक सिकी, जहाँ से निकलता है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, समझ रहे हैं ना। प्रोवेंट्रिकुलस का इंटरनल लाइनिंग क्यूटिकल से होता है, जो क्या करता है, भोजन को क्रस करता है, भोजन को पीस देता है, इसलिए इसका नाम ही पेशणी पड़ा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, जहाँ पे मिडगट होता है और हाइंडगट का जंक्शन होता है, मिडगट और हाइंडगट का जहाँ जंक्शन होता है, मिडगट और हाइंडगट के जहाँ पे जंक्शन होते हैं वहाँ पे 100 से 150 होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल। 100 से 150 क्या होता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल। मिडगट और हाइंडगट का जहाँ जंक्शन होता है वहाँ 100 से 150 क्या होता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल होता है। समझ में आई बात। फिर देखिए, हाइंडगट के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम। ये आपको पहले लिख दिया हूँ, ये न पड़ता बाहर खुलेगा। ये मालपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यह हीमोलिम्फ से, इधर देखिए, यह हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालता है। हीमोलिम्फ से क्या निकालता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और किस में छोड़ देता है, इलियम में, और ये इलियम से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसका मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका किसके थ्रू जाएगा, एनल अपर्चर के थ्रू जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, ये हीमोलिम्फ में से क्या निकालेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खींचेगा, और खींचने के बाद किस में, अरे धागा थोड़ा ही है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है ऐसे ट्यूब की तरह, ये ऐसे खींच कर इसमें से, ये कहाँ प्रेजेंट है, लिम्फ में प्रेजेंट है ये, अरे बढ़िया कंदरमा एलिमेंट्री का बाहर में नाचेगा ऐसे ऐसे, ये नाचेगा एलिमेंट्री का अंदर होगा ना, तो हीमोलिम्फ होगा ये, इसी हीमोलिम्फ में से क्या निकालेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऐसे खींच कर लाके इसमें छोड़ देगा, बात समझ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, धागा थोड़ा ही है थ्रेड लाइक, ये ट्यूब की तरह होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खींचता है और इसमें ला के छोड़ देता है। बोले क्या परेशानी है, हो गया। फिगर आप बनाना चाहें जरूर बना लें, अगर आप बनाना चाहते हैं तो, नहीं बनाना चाहते हम इरेज करें, इरेज कर दें, चलो क्या बने वो याद चाहते हो, समझ लो खाली, बस हो गया।
देखिए सीक्वेंस कैसे होता है, आपसे क्वेश्चन पूछता, अरेंज करिए सीक्वेंस में। ये है माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से आइसोफेगस, आइसोफेगस से क्रॉप, क्रॉप से गिजार्ड, गिजार्ड से मिडगट या मिसेंटेरॉन, मिसेंट्रॉन से मिडगट से फिर इलियम, कोलन, रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम से एनल अपर्चर। हो गया, ये सीक्वेंस है। इसका मतलब इधर देखो, मैं इधर देखो, यहां से यहां तक फोर गट है, यहां से यहां तक हाइंड गट है, समझे? देखिए मिडगट के और फोर गट के जंक्शन पे क्या है, यहीं पे हिपेटिक सिकी। समझने की बातें हैं, कैसे समझ सकते हैं आप सिकी? और देखो जरा इधर, इधर देखिए, ये मिडगट और, मिडगट और इलियम के जंक्शन पे क्या है, मालपिगियन टिब्यूल। अब एक बार याद करेंगे, तीन बार याद होगा, बोलिए ना। इसके इसके जंक्शन पे हिपेटिक सिकी, इसके इसकी संख्या 150 100 से, और इसके इसके जंक्शन पे कौन हिपेटिक सिकी, इसकी संख्या 8। कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? इरेज करें, माउथ बकल कड़ी, बकल कड़ी फायरिंग, तो फायरिंग आइसोफेगस में खुलता है, फायरिंग आइसोफेगस क्रॉप में खुलता है, क्रॉप गिजार्ड में खुलता है, गिजार्ड मिडगट में खुलता है, मिडगट कहाँ पे खुलता है, इलियम में, इलियम कोलन में खुलता है, कोलन रेक्टम में, रेक्टम में पढ़ते थोड़ो बाहर। ऐसे क्वेश्चन लिखा अपनी बुक में, ऐसे लाइन दिया पढ़ने के लिए, हम आपको सिक्वेंस वाइज बता दिए, अगर आप समझदार हैं तो पढ़ ले जाएंगे। यही सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए देता है नीट में। फिर पूछता है किसके किसके जंक्शन पे क्या होता है, हिपेटिक सिकी, किसके किसके जंक्शन पे क्या होता है, मालपिगियन टिब्यूल। कोई प्रॉब्लम है? इरेज करें हम इसको, हाँ देखो अब ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है। काकरोचेज, काकरोच क्या होता है, काकरोच इज ओमनिवोरस,
ओमनिवोरस होता है, सर्वाहारी, और कार्निवल्स भी होता है, अपनी बिरादरी खा जाने वाला। ओमनिवोरस होता है, सर्वाहारी। दो काकरोच को आप रख दीजिए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला काकरोच छोटे वाले को कुरकुरे की तरह खा जाएगा। बड़ा वाला काकरोच छोटे वाले को खा जाएगा। बोतल में भर के आप एक बड़ा सा काकरोच, छोटा छोटा काकरोच दीजिएगा, बोतलिया ढक्कन में छेद कर दीजिएगा, इनाक बंद करके, दोनों मर जाएं। गाय सर्जन देखो दोनों मरा, जिंदे दोनों मिला पड़े रहे। बोतल ऊपर से हवा कर दी ताकि वो ऑक्सीजन लेता रहे, नहीं तो मर ही जाएगा वो बेचारा। बस में फिर दूसरे दिन इधर देखो, छोड़ दिए उसको, दूसरे दिन देखेंगे तो इधर देखो, दूसरे देखो छोटा वाले के खाली पंखा उनका बचा रहेगा, समझ रहे हैं ना। दो तीन दिन देखेंगे भूख, जब भूख लगी बड़े वाले को, छोटा वाले खा जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, ये कार्निवल्स है। ओमनिवोरस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है, हिपेटिक सीकेस क्या निकलता है, सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। नेक्स्ट देखिए, इनडाइजेस्टेड वेस्ट कहाँ एक्युमुलेट होता है, एक्युमुलेट होता है रेक्टम में, और रिमूव किया जाता है, एंड रिमूव्ड आउटसाइड थ्रू इनल अपर्चर। गिजार्ड, गिजार्ड कंटेन इंटरनल क्यूटिकुलर फोल्ड, इंटरनल क्यूटिकुलर फोल्ड फॉर कितनी संख्या होती है, फॉर ग्रिंडिंग ऑफ, ग्रिंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। माउथ कैसा होता है, माउथ इज मैंडिबुलेट टाइप, मैंडिबुलेट मतलब कटिंग एंड चीविंग टाइप, कटिंग एंड चीविंग टाइप, काटने और चबाने लायक। काटते किससे हैं, किससे काटते हैं, मैंडिबल से, समझ रहे हैं ना, मैंडिबल से ही काटते हैं। मैंडिबल टीथ की तरह बिहेव करता है, अपर लिप लेब्रम में कल बताया था, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, मैंडिबल टीथ, और हाइपोफेरिंग्स टंग हो गया, और कौन मैगजीली पकड़ने के लिए हो गया। लेबियल पाल्प होता है जिससे स्वाद भी ले लेता है, लेबियल पाल्प होता है, मैगजीलरी पाल्प जिससे पता चल जाता है उसको भोजन खाने हो गया कि नहीं है। भोजन के काट काट कर खाता है, भोजन जब क्रॉप में स्टोर किया जाता है, भोजन स्टोर कहाँ होता है, क्रॉप में, फूड स्टोर इन क्रॉप, कहाँ पे स्टोर होगा फूड, कहाँ स्टोर होगा फूड, स्टोर इन क्रॉप, क्रॉप में स्टोर होता है, क्रॉप प्रिजर्वायर है जहाँ भोजन स्टोर होता है। बोलिए कोई परेशानी तो बताइए। ये आपका हो गया
एलिमेंट्री कैनाल के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं। एक लाइन की बात और समझ लीजिए, हम ऊपर एक लाइन और लिख दे रहे हैं। ये खा जाते हैं किसको? दे कैन फीड, दे कैन फीड्स डियर, डियर ओन स्पीसीज, अपनी बिरादरी को ही खा जाते हैं। अपनी बिरादरी खा जाते हैं, हो गया। सलिवरी ग्लैंड का पेयर होता है एट द जंक्शन ऑफ, याद रखिएगा, एट द जंक्शन ऑफ फोर गट और एंड हाइंड गट। क्या प्रेजेंट होता है हाइंड गट फोर गट के जंक्शन पे? क्या प्रेजेंट होता है? हिपेटिक सिकी, मैं बता चुका हूँ आपको, लिखे न पहले। दूसरा एट द फोर गट, सॉरी फोर गट और मिड गट, फोर गट और मिड गट, फिर एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट, इसकी संख्या आठ, मिड गट एंड हाइंड गट। क्या प्रेजेंट होता है? मालपिघियन, टिब्यूल। संख्या कितनी होती है? 100 से 150। आप सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसे याद करना है आपको खाली। हो गया, इरेज करें। क्या क्या क्वेश्चन परेशानी बता तुरंत। इरेज करें, देखो इधर। इसके बाद आपको देखना है, यहीं पर एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाए थे पहले आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी से लिंक्ड है, दिखाई देता है तो बता दें आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑर्गन इज, पांच बार लिख चुके, छठवीं बार लिख रहे हैं, 100 से 150 मालपिघियन टिब्यूल, टिब्यूल प्रेजेंट में नहीं है, मेन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज 100 से 150 मालपिघियन
टिब्यूल प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ किसके किसके जंक्शन पे प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ किसके जंक्शन प्रेजेंट है एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। सुनो ये मालपिगियन टिब्यूल क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये मालपिगियन टिब्यूल जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ से खींचा जाता है, कहां से, हीमोलिम्फ से, एंड रिलीज देम इनटू कहां रिलीज कर दिया जाता है, बात ना करो भाई, रिलीज देम इनटू इलियम नहीं चलेगा, वो इन्वर्टर्स खाली भी डोड़े हुए हैं, इनटू इलियम हो गया, इनटू इलियम ठीक है, सुनिए इलियम में छोड़ता है, विच गो आउटसाइड थ्रू, विच गो आउट साइड किसके थ्रू, इनल अपर्चर थ्रू एनल अपर्चर गो आउटसाइड थ्रू एनल अपर्चर, एनल अपर्चर थ्रू बाहर चला जाता है ठीक है। इसके अलावा इधर देखो किस फार्म में, यूरिक एसिड के फार्म, याद रखिएगा इसको, यूरिक एसिड के फार्म में, चलाओ फैन देखो, देख लीजिए हमारे साथ चल तो नहीं रहा है क्योंकि सब देखे वो ऑन करिए, यूरिक एसिड हो गया। तो कोई पूछे आपसे काकरोच क्या थी, यूरिकोटेलिक होगा पहली बात, दूसरी बात आपसे पूछा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मालपिगियन ट्यूब्यूल होगा, लेकिन इसके अलावा तीन और होते हैं, और इसके अलावा कौन होते हैं, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लोग पसीना बहाने के लिए दौड़ते हैं फील्ड में, आपको बैठे बैठे पसीना बह रहा है तो खुशी आपको होना चाहिए, हमको हमको तो बह रहा है लेकिन हमको खुशी बहुत तगड़ा है, सोच रहे हैं ना, और अभी आप लोग तो युवा हो, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप खूब पसीना बहाएं, है कि नहीं, लोग बजड़ा बालते हैं ठेठा बालते हैं ताकि खूब पसीना हो, और यहाँ बैठे बैठे पसीना हो तब वो खुश नहीं है। यह देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा है, तीन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तीन कौन कौन है, अदर एक दो और तीन, फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, याद रखिएगा फैट बॉडी, देखो इधर मेन ये है, इसके अलावा तीन ये, इधर देखो फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड और नेफ्रोसाइट, चौथा नहीं दे सकता, चार के अलावा और कोई नहीं हो सकता, तीन एक्सेसरी एक मेन,
क्वेश्चन पूछेगा तो इसके टी आर्गन कौन कौन से चारों का नाम याद होना चाहिए आपको, बोले ना। हो गया, ये सेक्रेटरी आर्गन हो गया, कोई प्रॉब्लम है? चलते हैं आगे देखते हैं। एक्सक्रेटरी आर्गन के बाद इरेज करें, बोलिए ना। मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे 100 से 150 मालपिघियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को हीमोलिम्ब से निकाल लेते हैं और उसको इलियम में छोड़ देते हैं, वो फिकल मैटर के साथ बाहर चला जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, फिर मैंने बताया क्यों, क्योंकि हीमोलिम्फ में ही ये प्रेजेंट, हीमोलिम्फ मतलब उसका ब्लड, काकरोच के ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हीमोलिम्फ। अब देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम हीमोलिम्फ, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हीमोलिम्फ एंड रिलीज देम इनटू इलियम, इलियम में रिलीज किया जाता है, विच गो आउटसाइड थ्रू एनल अपर्चर, जो एनल अपर्चर के थ्रू बाहर चला जाता है। हो गया, यूरिक एसिड के फार्म में, किस फार्म में? यूरिक एसिड के फार्म में। अदर एक्सक्रीटरी आर्गन जो होते हैं, फैट बॉडी होता है, यूरिकोज ग्लैंड होता है, नेफ्रोसाइट। समझ में आया? हो गया, इरेज कर दें। अमन तो अच्छे लगे, तो आगे बैठा करो, समझ रहे हैं ना? हाँ, पीछे ना बैठा करो इन सब लड़कों के सामने। नहीं अभी बैठे, अब कब तो खत्म होने जा रहा है, तब कब आगे आएंगे बेचारे, वो कल से आगे बैठेंगे। ठीक है ना? आप देखो इधर आगे पकड़ नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका बना हुआ होता है? ट्रैकियल सिस्टम विथ स्पाइरकिल, ट्रैकियल सिस्टम विथ स्पाइरकिल, ट्रैकियल सिस्टम स्पाइरकिल के साथ क्या है? एक्सक्रीटरी आर्गन। क्या है? एक्सक्रीटरी आर्गन। स्पाइरकिल की संख्या कितनी होती है? 10। 10 स्पाइरकिल्स आर प्रेजेंट, 10 नहीं, 10 पेयर होती है, 10 इधर 10 इधर, 10 पेयर। हो गया, स्पाइरकिल 10 इधर होती है, लेकिन 10 स्पाइरकिल लॉग बुक में दिया होता है, होती है 10 पेयर। बात समझ रहे हैं ना? ये कौन संख्या इनकी होती है? 10 पेयर स्पाइरकिल, जिसमें से 2 पेयर थोरैसिक होती हैं और 8 पेयर एब्डोमिनल होती हैं। एब्डोमिनल, रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया होता है, याद रखिएगा, ट्रैकियल सिस्टम। स्पाइरकिल ओपनिंग होती है जहाँ से हवा जाता है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स, इधर देखो, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स इन, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है? अकर्स इन काकरोचेज,
कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फियर टू टिश्यू सेल, एक्सचेंज कहाँ होता है? एक्सचेंज अकर्स, इन बिटवीन, एक्सचेंज अकर्स इन बिटवीन, ट्रैकियोल, देख दिया होगा, एंड टिश्यू सेल, देखो दिया कि नहीं दिया, ट्रैकियोल्स और टिश्यू सेल, ट्रैकियोल और टिश्यू सेल में होता है। जैसे आपको दिखा दें हम, फिर समझ लें रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना ट्रैकियल सिस्टम का बना होता है। स्पायरिकल की संख्या कितनी होती है? 10 पेयर, दो ठो थोरेसिक, दो पेयर थोरेसिक होता है, 8 पेयर एब्डोमिनल होता है। सुनो जी, ये लगी पट बतिया रही बन रही तरह, ये देखो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन काक्रोचेज, हो गया काक्रोचेज, फ्रॉम एटमॉस्फियर टू टिश्यू सेल, एटमॉस्फियर कहाँ? टिश्यू सेल में। एक्सचेंज अकर्स बिटवीन ट्रैकियोल एंड टिश्यू सेल्स, हो गया, दिखा दें आपको, देखिए इधर, ये स्पार्किल है, देखो इधर ये ट्रैकिया है, सॉरी ये ट्रैकिया है, ये फिल्टर है, फिल्टरिंग ऑपरेटस, बुक में नहीं आपके है, ऑपरेटस, ये ट्रैकियल रिंग जैसे आपके बॉडी में होता है, ट्रैकियल रिंग, इसमें से और ब्रांचिंग होगी, ऐसे देखो, ये टिश्यू सेल है, ये टिश्यू सेल है, देखो इधर, इधर देखो ये क्या है, इसमें से ब्रांचिंग करके ऐसे गया, ऐसे ब्रांचिंग करके आया, ऐसे ब्रांचिंग करके आया, तो ये हो गया ट्रैकियोल, और ये कौन है? टिश्यू सेल। इसमें से क्या होगा? इधर देखो, O2 किधर जाएगा? O2 इसमें जाएगा, अर्थात O2 अंदर जाएगा, और CO2 कहाँ जाएगा? बाहर, और CO2 कहाँ आएगा? बाहर की तरफ, ये CO2। तो टिश्यू सेल इधर देखो, डायरेक्ट हवा, इधर देखिए एयर कहाँ जाती है? डायरेक्ट जाती है टिश्यू सेल में, ट्रैकिया से ट्रैकियोल में, और ट्रैकियोल में एक्सचेंज होगा, इधर ऑक्सीजन जाएगा डिफ्यूज होकर, इधर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये फिर चलाएगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए ऑक्सीजन अंदर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, कहीं पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट वगैरह कुछ नहीं होती। कोई पूछे डायरेक्ट एक्सचेंज किस में होता है, तो आप सीधा बोलेंगे किस में? इंसेक्ट में। कोई इंसेक्ट होगा जिसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, कहाँ से? एटमॉस्फियर टू टिश्यू सेल, क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं, जब कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कन्फर्म है, क्या होगा उसमें? एक्सचेंज होगा ही। कहाँ से? एटमॉस्फियर टू ट्रैकियोल, ट्रैकियोल टू टिश्यू सेल के मेम्ब्रेन में। ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा,
CO2 बाहर आएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा। कोई प्रॉब्लम होता बता दीजिए। ये फिगर आप थोड़ा देख लीजिए, उधर तक का फिगर नहीं बना हुआ है, ये देख लीजिए वहाँ फिगर देख रहे हैं ना। दिखाई दिया, देख लीजिए, ये स्पार्किल, ये है आपका फिल्टरिंग ऑपरेटर्स, ये ट्रैकिया, ये है ट्रैकियोल्स, ये एक्सचेंज हो रहा है टीसी सेल का। कोई प्रॉब्लम होता बताइए। हो गया, ये है। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है उसका नाम है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अभी टाइम कितना बचा हुआ, टाइम बचा हुआ है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम या इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसा होता है। पहली बात, ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन कॉकरोच। कॉकरोच में पाया जाता है। हो गया, कॉकरोच में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका ब्लड जो होता है, ब्लड इज कलरलेस। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। बिकॉज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो कैसा होता है? एब्सेंट होता है। ब्लड को क्या कहते हैं? इसको ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं कॉकरोच के ब्लड को? हीमोलिम्फ कहते हैं। उसका नाम क्या है? हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं उसको? हीमोलिम्फ, यहाँ लिख लीजिए, हीमोलिम्फ होता है। कैसा होता है ये? कलरलेस पहले बता चुके हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। हार्ट का चैम्बर होता है, हार्ट जो होता है हार्ट 13 चैम्बर का होता है। कई चैम्बर का? 13 चैम्बर। हार्ट का चैम्बर होगा, ए किधर देखो, हार्ट का चैम्बर होता है 13 चैम्बर, 13 चैम्बर का। और कहाँ सिचुएट होगा? डार्सली सिचुएटेड होगा।
कहाँ होगा? डार्सली सिचुएटेड होगा। 13 चैम्बर हर्ट होगा, यहाँ लिखे हुए हैं 13 चैम्बर का, 13 चैम्बर हर्ट डार्सली सिचुएटेड होगा। हो गया? पेरिकार्डियल साइनस, पेरिविसरल साइनस, पेरिन्यूरल साइनस दिया हुआ है कुछ बुक में? पेरिकार्डियल साइनस सब बताएंगे नहीं बताएंगे, कोई मतलब नहीं उसका होगा फालतू में। हो गया यहाँ तक? इधर देखिए, पहली बात ओपन टाइप ब्लड स्कोर सिस्टम पाया जाता है। इसके ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। इतने इतने याद करिए, इसके ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। कलरलेस होता है ये, क्योंकि कलरलेस होता है क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता, क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। हार्ट का चैम्बर का होता है 13 चैम्बर का होता है, कहाँ सीट होता है? डार्सली। कहाँ सीट होगा? डार्सली। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा इसके हर ब्लड में, हाँ इधर देखिए, हार्ट को कौन, हार्ट की वाल्व को कौन तान रहता है? एलरी मसल्स। हार्ट इज गार्डेड बाय, ईच हार्ट इज गार्डेड बाय, गार्डेड बाय ईच हार्ट मतलब ईच चैम्बर, ईच चैम्बर ऑफ हार्ट is guarded by, किसके द्वारा guarded होता है? guarded by one pair Ellery muscles, one pair Ellery muscles याद रखिए। एलरी मसल्स कहाँ पाए थे? हार्ट को गार्ड करने के लिए, ये बुक में जरूर दिया होगा। एलरी मसल्स प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ हार्ट, ये क्या करती हैं? प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ, कोलैप्सिंग ऑफ हार्ट, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की वाल को कोलैप्स करने से रोकती हैं। हार्ट वाल, हार्ट की दीवार को कोलैप्स करने से रोकता है ये। हार्ट में ब्लड का फ्लो जो होता है इन हार्ट, ब्लड फ्लो, फ्लो फ्रॉम कहाँ से फ्लो करता है? ब्लड फ्लो फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर डायरेक्शन, याद रखिएगा, पोस्टीरियर टू इंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है, पोस्टीरियर टू इंटीरियर डायरेक्शन। हो गया? ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट द, ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट, हार्मोन, बट नेवर गैसेस, लेकिन क्या? बट नेवर गैसेस, गैसेस कभी नहीं करे क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। समझ में आया? तीन चीज को हमारा ब्लड चार चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या क्या?
इस तीन के अलावा क्या करेगा, गैस का एक्सचेंज करेगा। इसका क्या कर रहा है, केवल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, न्यूट्रिएंट को और हार्मोन को। हमारा हार्मोन करेगा, न्यूट्रिएंट करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करेगा, गैसेस करेगा, लेकिन इसका गैस कभी नहीं करेगा। क्यों गैस कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। और डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है इसमें, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, डायरेक्ट होती हैं। ये ब्लड के विषय में है, कोई परेशानी बता दीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है कंपाउंड आइज, क्या पढ़ना है कंपाउंड आइज, कल मुलाकात होगी, चलते हैं।